आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संतनगर में अखंड रामधुन को सिद्ध भाव ने शुरू किया। इस मौके पर विधायक रामेश्वर शर्मा रामधुन गाते नजर आए। संत हिरदाराम नगर में सिद्ध भाव के मार्गदर्शन में 54वां वार्षिक अखंड रामधुन का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। सिद्ध भाव ने साधु वासवानी स्कूल में इसका शुभारंभ किया। संत हिरदाराम जी के शिष्य सिद्ध भाव ने हरे रामा हरे कृष्णा और कृष्णा कृष्णा हरे हरे से रामधुन का आगाज किया। परमहंस संत श्रवण हिराराम साहब जी के आशीर्वाद एवं श्रद्धे सिद्ध भाव जी के प्राण से ये 54वां वर्ष है इस अखंड रामधुन महोत्सव। वर्ष 1964 में संत जी के आशीर्वाद से ये अखंड रामधुन महोत्सव प्रारंभ हुआ था, जो आज तक निर्विरोध निर्विघ्न प्रभु की कृपा से चल रहा है। और उम्मीद यही करते हैं कि जैसे 54 साल से ये चलता आ रहा है, आगे भी भविष्य में सदियों की सदियों तक चलता रहे। यह रामधुन 24 घंटे 7 दिन तक चलेगी। रामधुन शुभारंभ के अवसर पर विधायक रामेश्वर शर्मा और गणमान्य नागरिक भी मौजूद थे। यहाँ रामधुन से पहले भजन कीर्तन हुए। इस मौके पर सिद्ध भाव ने अपने प्रवचन में कहा कि स्वामी जी द्वारा 54 वर्ष पहले इसकी शुरुआत की थी। निरंतर प्रतिवर्ष उनके आदेश अनुसार धुनी लगाई जाती है। इस अखंड रामधुन में देश विदेश से भी संत जी के अनुयायी आते हैं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।